आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अंडर काउंटर वॉश बेसिन और काउंटर टॉप वॉश बेसिन। आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों वॉश बेसिन में क्या अंतर होता है, आपको अपने घर में कौन सा वॉश बेसिन लगाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए। साथ ही आपको बताएंगे इसके फिक्सिंग डिटेल्स और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में, ताकि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप अपने घर के लिए अपने कंफर्ट के हिसाब से इन दोनों में से सही चुनाव कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अंडर काउंटर वॉश बेसिन और काउंटर टॉप वॉश बेसिन किसे कहते हैं। पहले समझते हैं काउंटर टॉप वॉश बेसिन को। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसका बेसिन जो है वो काउंटर के ऊपर रखा हुआ होता है, यानी कि टॉप पे, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। इसलिए इसे काउंटर टॉप वॉश बेसिन कहा जाता है, या फिर बहुत जगह इसे टेबल टॉप वॉश बेसिन भी कहते हैं। और बात करें अंडर काउंटर की तो इस वाले पिक्चर में देखिए, वॉश बेसिन जो इसमें रखा हुआ है वो काउंटर के नीचे है, यानी कि अंडर काउंटर, इसलिए इसे अंडर काउंटर वॉश बेसिन कहा जाता है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया है कि कौन सा अंडर काउंटर है और कौन सा काउंटर टॉप है। वैसे तो वॉश बेसिन होम या ऑफिस इंटीरियर का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, पर इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। इंटीरियर वर्क में वॉश बेसिन का सही सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वॉश बेसिन काउंटर टॉप हो या अंडर काउंटर, यह उसके यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर वॉश बेसिन घर के लिए लेना चाहते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन और काउंटर टॉप वॉश बेसिन दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि घर में वॉश बेसिन का यूज सिर्फ फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर आप वॉश बेसिन ऑफिस या किसी पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, शॉप, पब्लिक कॉन्फ्रेंस, स्कूल्स, मैरिज हॉल आदि की बाथरूम में लगवाना चाहते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन का यूज ही बेस्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंडर काउंटर वॉश बेसिन को क्लीन करना आसान होता है, क्योंकि इसमें काउंटर का बेसिन का जो टॉप है वो एक ही लेवल पे होता है काउंटर प्लेटफॉर्म के साथ। वॉश के बाद जो भी पानी काउंटर पर गिर जाता है उसे आसानी से आप स्मॉल वाइपर की मदद से साफ किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ काउंटर टॉप वॉश बेसिन को इस सिचुएशन में साफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, वॉश बेसिन का सिलेक्शन उस एरिया के आधार पर भी कर सकते हैं जहां उसे लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडर काउंटर वॉश बेसिन ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है काउंटर टॉप वॉश बेसिन की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेम साइज का काउंटर टॉप लेते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन को फिट करने के लिए अगर 2 फीट की विथ का काउंटर चाहिए तो आप यह साइज बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर काउंटर टॉप वॉश बेसिन है तो काउंटर की विथ को 18 इंच तक कम किया जा सकता है, क्योंकि यह बेसिन काउंटर के ऊपर लगाया जाता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो अंडर काउंटर बेसिन की तुलना में काउंटर टॉप बेसिन 6 इंच तक कम जगह लेता है। तीसरा, अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करें तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन को इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, वक्त भी इसमें ज़्यादा लगता है इसको इंस्टॉल करने में। वही बात करें काउंटर टॉप वॉश बेसिन की तो इसे इंस्टॉल करना कंपैरेटिवली आसान होता है। चौथा, अब बात करते हैं कॉस्टिंग के आधार पे। वॉश बेसिन काउंटर टॉप लेना है या अंडर काउंटर, ये आपके बजट पर भी निर्भर करता है। अंडर काउंटर वॉश बेसिन की तुलना में काउंटर टॉप वॉश बेसिन को लगाने में ज़्यादा खर्च आता है। इसे आप इस चार्ट की मदद से भी समझिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा काउंटर टॉप वॉश बेसिन है और राइट हैंड साइड में हमारा अंडर काउंटर वॉश बेसिन है। तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन से स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिन की कॉस्ट लो होती है और काउंटर टॉप वॉश बेसिन की कॉस्ट हाई होती है। अंडर काउंटर वॉश बेसिन में नॉर्मल साइज के नल या फॉसेट का यूज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ काउंटर टॉप वॉश बेसिन में लॉन्ग बॉडी टॉप या नल कह सकते हो या फॉसेट यूज किया जाता है, जो कि ज्यादा कॉस्टली आती है। अंडर काउंटर वॉश बेसिन में वैनिटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन काउंटर टॉप वॉश बेसिन में वैनिटी का होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब एस्थेटिक एंड लुक्स के आधार पर देख लेते हैं। एस्थेटिक एंड लुक्स के मामले में काउंटर टॉप वॉश बेसिन ज़्यादा सुंदर दिखते हैं,
पर मेरी राय यह है कि आप एस्थेटिक और लुक्स के आधार पर वॉश बेसिन का सिलेक्शन ना करें, आप वॉश बेसिन का सिलेक्शन यूजेस के आधार पर ही करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी वॉश बेसिन एक बार फिक्स कर दिया तो उसके बाद उसे चेंज करने में बहुत ही मुश्किल होगी और आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से एरिया के लिए कौन सा वॉश बेसिन ज्यादा बेटर है, यानी कि यूजेस और एरिया के आधार पर कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। घर के लिए दोनों ही बेटर ऑप्शन है, अगर एरिया का इश्यू है तो काउंटर टॉप एक अच्छा ऑप्शन है। ऑफिस के लिए मैं रेकमेंड करूंगा अंडर काउंटर वॉश बेसिन, क्योंकि यहाँ यूजेस ज्यादा है और मेंटेनेंस कम है, तो आप अंडर काउंटर वॉश बेसिन ही लगवाएं पब्लिक प्लेस पे। स्कूल्स, मैरी हॉल, मॉल, पब्लिक स्पेस जैसे जगहों पे आप अंडर काउंटर वॉश बेसिन ही लगवाएं तो बेहतर रहेगा। चलिए आप कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देख लेते हैं। वॉश बेसिन की हाइट 32 से 34 इंच के बीच ही रखें, चाहे वो काउंटर टॉप वॉश बेसिन हो या अंडर काउंटर वॉश बेसिन। ये हाइट घर के फिनिश्ड फ्लोर से वॉश बेसिन के टॉप तक का है। नेक्स्ट, नल के पानी का कनेक्शन गर्म और ठंडा दोनों होना चाहिए। आप मॉड्यूलर फॉसेट या नल का ही यूज करें जिसमें ऑटो मिक्सर हो। तो ये सब एक बेसिक डिफरेंस थी अंडर काउंटर और टेबल टॉप वॉश बेसिन के बारे में। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।